ये आज मैं शुभकामना के दिन अपना नया ब्लॉग शुरू करने वाली हूँ। सबको मेरी तरफ के लिए शुभकामनाएं। हेलो गाइस, ये मेरा भाई है और इसको 4x वाला क्यूब चलाना तो आता ही नहीं है, इसलिए पहले 3x वाला चलाता था। अभी थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए 4x4 वाला क्यूब चला रहा है। तो पहले आप देखिए ये कैसे बनाता है। तो गाइस अभी इसका भी होने वाला है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अगले महीने। देखिए गाइस अगले महीने तक वेट करा है इसका। अरे वाह, ये देखिए ये डेविड जोशी है, इसने ये लगभग 2 मिनट में पूरा कर लिया है। अभी अपनी स्पीड बढ़ाकर इसको फटाफट पूरा करेंगे। 3x3 ये 1 मिनट में कर लेते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम देवी जोशी है और ये मेरी बहन शताब्दी जोशी है और हम इस कमरे में 1 महीने से रह रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में मेरी मामी, नानी, मामा और मेरी बहन को कोरोना पॉजिटिव है। बहन? मैं हूँ तेरी बहन भाई। बड़ी बहन, बड़ी वाली बहन। ओके, और आप तो ठीक हो? हाँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। हाँ? नहीं। कोई खांसी, कोई बुखार? नहीं। तो आप लोग दिन भर अपना टाइम कैसे वेस्ट करते हो? मुंबई मोबाइल देखते हैं और ये कभी कभी एक दो बार पूरे दिन में एक दो बार एक क्यूब सॉल्व कर लेते हैं और टीवी भी देखते हैं हम। और आप क्या करती हो? मैं भी इसके जैसी हूँ। क्या क्या करती हो आप बताइए जरा, दिन भर में क्या क्या करती हैं? मोबाइल देखती हूँ, टीवी देखती हूँ, आपकी चोको पाई खाती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी पढ़ाई करती हूँ। झूठ बोले कौवा काटे। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है। और आपकी हो रही है? नहीं, हमारी भी छुट्टियाँ चल रही हैं तो हम भी मोबाइल देखते हैं पूरे दिन। कौन कौन सा गेम खेलते हो आप मोबाइल में? मैं फ्री फायर खेलता हूँ। हाँ, और अब पबजी भी आने वाला है, वो भी खेलूंगा। ओहो, और आप कौन सा गेम देखती हो या आप कौन सा चैनल देखती हो? मैं उस सौरभ जोशी का देखती हूँ और मैं और जो एड्स में गेम प्लेस आती हैं उनको देख, जो पसंद आते हैं उनको मैं डाउनलोड करती हूँ गेम्स को। अच्छा, जो नहीं पसंद आते। आपने अभी बताया कि सौरभ जोशी का व्लॉग देखती हैं आप, है ना? हाँ। आप भी जोशी हैं? हाँ। तो क्या आप बताएंगी कि सौरभ जोशी कहीं आपके रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं है। नहीं है? हाँ। अच्छा ठीक है, आपका गांव कहाँ है? बागेश्वर। आपका? हम दोनों भाई बहन है तो हमारा गांव भी बागेश्वर में ही होगा। अच्छा, तो आपको जब आप सौरभ जोशी के बारे में इतना जानते हो। हाँ। तो ये तो बता दो, सौरभ जोशी है कहाँ का? पहाड़ी। पहाड़ी है? कौन से पहाड़ से है? मतलब उसका एक कजन है, वो तो पहाड़ से आया है पढ़ाई लिखाई करने। पढ़ाई लिखाई करने? हाँ। और आपको भी नहीं मालूम है वो कहाँ से आया है? नहीं, कहाँ को बताइए, ज़्यादा देखती है। तो कहाँ रहता है सौरभ जोशी? पहाड़ में ही रहते हैं। पहाड़ में रहते हैं? मतलब अभी तो वो हैदराबाद में रहते हैं। इससे पूछ रहा हूँ ये चिंटू को। आप बताओ। हाँ, वो मुझे भी इतना ही पता है जितना इसको पता है। अच्छा, उसके डॉगी का नाम क्या है? ओरियो। ओरियो तो बिस्किट होता है, पर तब भी नाम है। तब भी नाम है। हाँ। अच्छा, आपके पास कोई पेट है? हाँ। कौन सा? बहुत सारी बिल्लियाँ और एक छुटकन सा बिल्ली का बच्चा। उसका नाम कुछ रखा है बिल्ली के बच्चे का? छुटाला। हाँ। मिनी। मिनी। हाँ। अच्छा, और आपके पास कोई और पेट है? नहीं, मेरी मम्मी एक डॉगी खरीदने वाली है, पोमेरियन या लैब्राडोर। अच्छा, लैब खरीदेंगी। लैब मतलब डॉग की ब्रीड होती है जैसे आपके पास। अच्छा, आप पिछले साल कौन सा डॉग था आपके पास? नेस। नेस? गोल्डन रिट्रीवर था हमारे पास। हाँ, गोल्डन रिट्रीवर। कौन से डॉग था? गोल्डन रिट्रीवर। कहाँ गया अभी? अब उसकी डेथ हो गई है। बीमारी हो गई थी उसको। सो सैड, सो सैड। आपको दुख हुआ था क्या? हमारा एक और पेट था जिसका नाम गूगल था, ब्लैक कलर का था वो। वो कहाँ गया? वो भी मर गया। ओहो, तो आपको उसको बुखार आ गया था, उसकी दवाई।
तो आप रोई थी क्या? नहीं। क्यों? मैं उसके पास जाकर मामी के कमरे में बैठा हुआ तो उसकी आंखें वाइट हो गई थी एकदम। ओह सो सैड। मैं उसको देख रही, मैं देख उसके माथे में चूहा, तब भी थोड़ा ठंडा था पर। ओह सो सैड। अभी आप एक नया पेट पाल लेना। कौन हा? सा जो भी आपकी मम्मी लाएंगी वो पाल लेना, है ना? और नहीं, कुछ कोई नाम सोचा है आपने अपने नए पेट का? हाँ। क्या? नेसी रखोगी? हाँ, जो उस वाले डॉगी का था, बड़ा वाला। अच्छा। मामा खरीद के लाए थे दिल्ली से। ठीक है, आपने भी नेसी सोचा है या कुछ और नाम रखेंगे? हम तो गूगल रखेंगे क्योंकि गूगल में सबसे गूगल का सबसे ज़्यादा प्यार के मैं गूगल को करता था। अच्छा। और मैं नेस को। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू व्लॉग मतलब, और आपका ये व्लॉग कामयाब रहे। हम आपसे भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। अक्षय तृतीया मुबारक हो। मम्मी थैंक यू। आपको भी अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। मुबारक हो।